अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम करने वाले हैं CS 101 का जो हमारे पास फर्स्ट का क्विज़ आया है, आज हम उसे सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्विज़ है, लेकिन मैंने इसे किया है एक फाइल के ज़रिए किया है। ये फाइल आपको मिल जाए तो आप इजीली अपना क्विज़ जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से ऑलमोस्ट 8 to 9 जितने भी आपके आएंगे ना आपके MCQs, 8 to 9 तो मैक्सिमम इनमें से आ ही जाते हैं। तो आपको अगर ये फ़ाइल चाहिए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में देख लेना है, वहाँ पर ये फ़ाइल आपने देख लेनी है वहाँ पर से। तो चलिए हम जो हमारा अभी का क्विज़ आया है पहले उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ यू वांट टू सर्च फॉर एन एग्जैक्ट फ्रेज ऑन गूगल देन इनक्लोज इट इन। तो ये हमारे पास जो टू स्लैशेज की सैम्बल होती हैं इसमें हम इसे क्लोज करते हैं। इसके बाद है हमारे पास ट्रंकेशन एरर्स इज़ अ प्रॉब्लम डेट अकर इन। तो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में ये ट्रांजेक्शन का एरर जो है ये वहाँ पर अकर होता है। इसके बाद है हमारे पास विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्डिंग बींग एग्जीक्यूटेड नाउ, ये इसका आंसर है। इसके बाद है हमारे पास वन इज़ डैट अ CPU शुड बी डिज़ाइन टू एग्जीक्यूट अ मिनिमल सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस, द अप्रोच इज़ कॉल्ड आ। तो इस अप्रोच को हम RISC कहते हैं, RISC। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वाला क्विज़ जो कि है हमारे पास, हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम इन मेन मेमोरी। तो प्रोग्राम में स्टोर करने का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था, तो ये जॉन वॉम निमोन ने दिया था ये वाला आइडिया जो है। इसके बाद है हमारे पास एज़ वी आर डीलिंग विद टू बीट्स वाइल एडिंग देम देयर कुड बी डैश पॉसिबिलिटीज़, तो वहाँ पर हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज़ इसकी हो सकती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बिट पैटर्न, इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि इसके बाद हमारे पास है वन टर्म कुड मीन मोर देन वन थिंग, फॉर एग्जांपल वर्ड जगुआर इज़ यूज्ड इन टू मीनिंग सच एज, एनिमल के लिए भी ये जगुआर यूज़ होता है और एक कार जगुआर है उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है। इसके बाद है हमारे पास इन CS वी स्टोर एंड लिंक डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे यूजिंग DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको हम कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास आफ्टर फैचिंग इंस्ट्रक्शन विल बी डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड, डिकोड हो सकती है या उसके बाद एग्जीक्यूट हो सकती है। इसके बाद है हमारे पास अ CPU कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, तो CPU के कौन से 3 पार्ट होते हैं, एक होती है ALU, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट और इसके बाद हमारे पास होता है रजिस्टर। इसके बाद है हमारे पास एज़ वी आर डीलिंग विद 2 बिट्स वाइल एडिंग देम देयर कुड बी डैश पॉसिबिलिटीज़, तो ये वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया, तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसके बाद है हमारे पास हाउ इंस्ट्रक्शन कैन बी फेच्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी टू CPU, तो इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से मेन मेमोरी में लाया जा सकता है, मेन मेमोरी से CPU में लाया जा सकता है, तो बाय यूजिंग बस के ज़रिए हम इसको लेके आते हैं। इसके बाद है हमारे पास TIFF इज़ एब्रीविएशन ऑफ, तो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। इसके बाद है हमारे पास वाइल एडिंग बीट्स देयर कुड बी 4 पॉसिबिलिटीज़, हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसके बाद है हमारे पास वाइल एक्सेस नोटेशन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट 100 एज 0, तो XX4 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास सर्च इंजन कैन सर्च, डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकती है, इमेज को सर्च कर सकती है और वीडियोज़ को ये सर्च कर सकती है। देन हमारे पास है जॉर्ज बोले हु वाज अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं लॉजिक। इसके बाद हमारे पास इन बाइनरी एडिशन 1 + 0 = 1। इसके बाद हमारे पास डैश टेल्स हाउ मेनी प्लेसेस आर रिक्वायर्ड टू मूव रेडेक्स पॉइंट, तो मेंटिसा फील्ड ने हमें ये चीज़ को हमें बताया था। 28 कम्बिनेशन जो हैं टोटली हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ANSI स्टैंड्स फॉर, तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसके बाद है हमारे पास कंप्यूटर्स हार्डवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर को हम जो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का उनका उसको हम कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर।
इसके बाद हमारे पास 10.011 एडिड टू 100.11 प्रोड्यूस, तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो 111.001 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हमारे पास यूजिंग डैश यू कैन सर्च इमेजेस इवन बाय गिविंग ए क्वेरी ऑफ एन अदर इमेज तो डेडिकेटेड वेब लिंक ऐड। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके हमें लाजमी तौर पे बताना है कैसी लगी आपको ये वीडियो। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।